नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता सिंह। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और देश के डॉक्टर एक हीरो की तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर इस महामारी के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। वो निस्वार्थ भाव से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के नासिक में एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। यहां पर विधायक जो कि AIMIM के विधायक हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, वो अपने 20 समर्थकों के साथ मालेगांव सिविल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, विधायक के साथ गाली गलौज करते हैं, यहां तक कि उनके साथ हाथापाई भी की जाती है। ये सारा सब कुछ जो है वो इस वजह से किया गया है कि जो डॉक्टर हैं वो विधायक का फोन रिसीव नहीं कर पाए थे। वहीं जो डॉक्टर के साथ ये पूरा प्रकरण हुआ है मारपीट का, उसके बाद जो सिविल अस्पताल का जो स्टाफ है उसमें काफी गुस्सा देखने को मिला, वो प्रदर्शन करने लगे और पुलिस से इस विधायक के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग करने लगे। हालांकि पुलिस ने आनन फानन में एक्शन लेते हुए जो विधायक है उसको गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। लेकिन इन सबके बीच जहां पूरी दुनिया में जो डॉक्टर है अपनी जान की परवाह किए बगैर जो इस कोरोना महामारी है उससे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो तस्वीरें हैं वो परेशान करने वाली है। सरकार अपील कर चुकी है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपील कर चुके हैं कि डॉक्टर्स के और जो मेडिकल स्टाफ है, जो पुलिस है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो इस बुरे वक्त में अपने जान का जोखिम उठाकर ये पूरी जंग लड़ रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। लेकिन इस तरह के का जो मामला है वो परेशान करने वाला है। हालांकि उस जो विधायक है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और उनको जेल भेजा गया है। आप हमारा ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।